आज कर्नाटक जिस विवाद को लेकर सुलग रहा है उसका एक लंबा इतिहास रहा है। कावेरी नदी जल विवाद पर कानूनी शुरुआत 1892 और 1924 में हुए समझौतों की वजह से हुई। जो कि मैसूर के राज परिवार और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद केंद्र सरकार ने 1990 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया। 1991 में न्यायाधिकरण ने एक अंतिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक कावेरी जल का एक तय हिस्सा तमिलनाडु को देगा। हर महीने कितना पानी छोड़ा जाएगा यह भी तय किया गया था। हालांकि इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया। इस बीच तमिलनाडु इस अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए जोर देने लगा। आदेश को लागू करने के लिए याचिका भी तमिलनाडु ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल की। इसके बाद मामला और भी जटिल हो गया। साल 2007 में ट्रिब्यूनल ने अपना अंतिम फैसला देते हुए कहा कि तमिलनाडु को 419 TMCFT पानी मिलना चाहिए। कोर्ट ने जो आदेश दिया था ये उसका दुगना है। यही वजह है कि कर्नाटक इस आदेश से संतुष्ट नहीं है। 2007 के ऑर्डर से पहले तमिलनाडु ने 562 TMCFT पानी की मांग की थी जो कि कावेरी बेसिन में मौजूद पानी का 3/4 हिस्सा था। इसके बाद इस साल अगस्त में तमिलनाडु सरकार ने कहा कि कर्नाटक ने कम पानी छोड़ा है। वहीं कर्नाटक सरकार ने कहा कि वो कावेरी का और पानी तमिलनाडु को नहीं दे सकता क्योंकि कम बारिश होने की वजह से पानी का रिजर्व आधा है। इसके बाद 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 10 दिनों तक 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही हिंसा भड़क गई और कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए कर्नाटक को आदेश दिया कि वो 20 सितंबर तक हर दिन तमिलनाडु को 12,000 क्यूसेक पानी दे। कावेरी जल विवाद पर अब तक जितने फैसले आए हैं उस पर कभी भी कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों की सहमति नहीं बन पाई और अब यह विवाद जिस तरह से हिंसा का रूप ले रहा है उससे यह विवाद और गहराता नजर आ रहा है। देखते रहिए टीवी लाइव।